पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा कक्कड़। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, विज्ञान के साथ अध्यात्म शामिल करने की सलाह। दिल्ली के पांडव भवन पहुंची राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, भव्य स्वागत म्यूजियम का किया उद्घाटन। आशीर्वचन में कहा कि लोगों को मिलेगा परमात्मा का ज्ञान। ब्रह्मकुमारीज के शांतिवन में कोटा विश्वविद्यालय के पहले कॉन्वोकेशन का आयोजन, विद्यार्थियों को दी गई मूल्य आधारित डिग्री। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में लाइफ स्किल कैंप का आयोजन, मारुति कार कंपनी के यूनियन सदस्यों के बच्चे हुए शामिल। पदाधिकारियों ने कहा बच्चों का भविष्य संवरेगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर कार्यशाला, तनावों पर काबू पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान अपनाने की सलाह। नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए जारी है राहत सामग्री वितरण। गोरखा जिले के कई गांवों में राहत सामग्री वितरण के साथ मानसिक सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम। गुजरात के कलौल में गर्मी से निजात दिलाने के लिए संस्थान का प्रयास, राहगीरों के लिए शीतल पेय पदार्थों का दिया सहयोग। और हिमाचल प्रदेश सिरमौर के राजवन सीमेंट के अधिकारियों के लिए तनाव मुक्ति पर संगोष्ठी, श्रेष्ठ जीवन के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी, राजयोग सीखने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मकुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर एकेडमी में वैज्ञानिक एवं अभियंताओं के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। संतुलित एवं सुंदर जीवन विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग की अध्यक्षा अहमदाबाद की बीके सरला, राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंघल, भिलाई एनटीपीसी के प्रबंध निदेशक अरुण साहू समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। कार्यक्रम उद्घाटन के पश्चात वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि अध्यात्म के बिना विज्ञान अपूर्ण है। आज जितनी भी नई खोजें हो रही हैं उसमें अध्यात्म की कमी के कारण सर्वांगीण सुख नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जितने भी कार्य किए जाएं उसमें अध्यात्म का पुट जरूर होना चाहिए। आप अपने साथ साथ ऐसे लोगों को जो आपके दोस्त हो, आपके मित्र हो, आपके भाई हो, आपके रिश्तेदार हो, बस ब्रह्मा कुमारी से आप जोड़िए, उनको विश्वास दिलाइए, उनका माइंड और सोल को अपने एक्सपीरियंस बताइए, ताकि ये जो है एक नया जो प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी जी ने लिया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है, बहनों ने संकल्प लिया है, उसे हम आगे बढ़ाएं और इस देश को बचाएं, अपने देश को ब्यूटीफुल और अपने देश को गर्व महसूस कराने की कोशिश करें। हमारी संस्था आज रिस्पॉन्सिबल एनजीओ पार्टिसिपेट करके इस चीज़ को फोकस किया है कि चेंज इन कॉन्शियसनेस विल लीड टू चेंज इन क्लाइमेट। तो कॉन्शियसनेस सटल चेंज कैसे लाए, थ्रू पावर ऑफ मेडिटेशन, थ्रू पावर ऑफ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों एवं अभियंताओं से आह्वान किया गया कि भारत की संपूर्ण तरक्की के लिए अध्यात्म और विज्ञान को साथ रखने की आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारीज संस्थान इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां विज्ञान का उपयोग तो है ही परंतु इसकी अधीनता नहीं है। जब जब धर्म की अति ग्लानि, अधर्म विनाश सधर्म स्थापन के लिए परमात्मा स्वयं गुप्त रूप में अपना कार्य शुरू कर देता है। कोई जाने न जाने, पहचाने न पहचाने, आखिर तो सबको मानना ही। सम्मेलन के दौरान वैज्ञानिकों एवं अभियंताओं के लिए तकनीकी सत्रों के साथ ध्यान योग का भी आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने बड़ी गहनता से राजयोग के बारे में चर्चा की। इस सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ये धरती हो के मत वाले गगन की लाली करे तुझे प्रणाम, ये धरती हो के मत वाले गगन की लाली करे तुझे प्रणाम। हरी भरी धरती पे हो, हरी भरी धरती पे छल के रंग प्यार के, आज
आज खुशी नाच उठी, देखो संग संग बाहर के। ब्रह्म कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी मुंबई से लंबे समय के बाद दिल्ली पांडव भवन पहुंची। इस अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीश्वरैया, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार रमेश समेत कई लोगों ने हर्षोल्लास पूर्वक उनका स्वागत किया। पांडव भवन दिल्ली सेवा केंद्र पर बने म्यूजियम का दादी हृदय मोहिनी के साथ संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर दादी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि इससे लोगों को आत्मा और परमात्मा का सहज ही ज्ञान मिलेगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय एवं ब्रह्मा कुमारीज संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा मूल्य आधारित पाठ्यक्रम में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए पहले कॉन्वोकेशन का आयोजन किया गया। संस्था के शांतिवन में आयोजित इस कॉन्वोकेशन में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बी के मृत्युंजय, मूल्य आधारित कार्यक्रम के निदेशक बी के पांडेमणि, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की क्षेत्रीय निदेशिका रश्मि भोरा तथा पाठ्यक्रम के मुख्यालय संयोजक आरपी गुप्ता की उपस्थिति में सर्टिफिकेट भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिग्री धारकों द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें कॉन्वोकेशन के परिधानों में सजे विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके पश्चात सम्मेलन सभागार में अतिथियों ने कहा कि यह सुखद लगता है कि अब लोगों का रुझान मूल्य आधारित शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा की पूर्णता मूल्य परकता में ही है। बिना मूल्य जिसमें सेवा, कल्याण, उत्थान, सेवा यह सब न हो, शिक्षा नहीं हो सकती। इस एजुकेशन के साथ ये हमारी गॉडली एजुकेशन, उसको भी आप ऐसे ही मानो, भले डिग्री आप लोगों ने इसमें ली है, गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 6 दिवसीय मारुति एम्प्लॉयमेंट यूनियन के सदस्यों के बच्चों के लिए लाइफ स्किल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन मारुति के डीजीएम मनोज जायसवाल, यूनियन के अध्यक्ष राजेश कुमार, ओआरसी की वरिष्ठ फैकल्टी बी के रंजना, बी के प्रीति, यूनियन के महासचिव कुलदीप झांगू, कंपनी के मुख्य अधिकारी रुचार समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए बच्चों को शारीरिक व्यायाम के साथ स्किल बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही बच्चों से मन की ऊर्जा को सकारात्मक सोच में लगाने की अपील की गई। Anger is a choice. It is not out of control. And if it is your choice, you can choose not to get angry. And because you all are young, it's time when you make choices, आपकी personality बन जाए। इस कैंप के दौरान बच्चों को खेल कूद के साथ कई गतिविधियां कराई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही राजयोग का भी अभ्यास कराया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन वन संरक्षक जेपी चंद्राकर, सरगुजा की जिला पंचायत अध्यक्षा फुलेश्वरी, पालिका आयुक्त लवकुश सिंगरेल, पशु चिकित्सा के उप संचालक निप्रेंद्र सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल आर्य, प्रभात हार्डवेयर के संचालक सुशील तायल, मुंबई के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बी के विद्या समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। तनाव प्रबंधन में भारी संख्या में आए लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर गिरीश पटेल ने तनावों के विभिन्न कारणों पर बारीकी से प्रकाश डालते हुए कहा कि तनाव की रचना हम स्वयं करते हैं, दूसरा इसके जिम्मेदार नहीं है।
जब हम यह सोचने लगते हैं कि हम आत्मा हैं और इस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो तनाव आ ही नहीं सकता। इस कार्यक्रम में उपस्थित महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने से लोगों को तनावों से निजात पाने में मदद मिलेगी और ऐसे शिविर होते रहने चाहिए, क्योंकि बाकी सब सुचारू रूप से कार्य चलते रहते हैं। सबसे कमजोरी हम अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट करते हैं। नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद का प्रयास जारी है। ब्रह्मा कुमारी संस्था बुटवल सेवा केंद्र द्वारा गोरखा जिले के कार्की, वानिया, चिलौनी, थालाजुंग गांव के प्रभावित लोगों को राहत सामग्री प्रदान की गई। साथ ही करीब 4 लाख रुपए के खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े तथा तिरपाल की मदद दी गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला के निर्देशन में इन क्षेत्रों में लोगों की मानसिक शांति के लिए राजयोग मेडिटेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही रूपांदेही जिला प्रशासन के अधिकारी तोयम राय मांझी को बीके कमला तथा बीके नरेंद्र ने 1,05,000 का चेक भेंट किया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र पर आयोजित 12 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन हो गया। समापन सत्र में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ डीएमएम नवीन सिंह, सचिव पीएन खत्री, माउंट आबू के बीके बद्री, बीके मुन्ना तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इन 12 दिनों में जो भी आपने सीखा और जाना है उसका हमेशा अपने जीवन में अभ्यास करें। कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा लोगों का मन मोह लिया, साथ ही अपने अनुभवों को साझा करते हुए जीवन के लिए श्रेष्ठ बताया। पंजाब के जैतू में 7 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में उपस्थित लोगों के बीच गुड बाय टेंशन पर प्रस्तुतियां दे रहे तनाव के प्रतीक बने कलाकार ने लोगों के बीच जाकर अपने जाने का संदेश दिया। यह कार्यक्रम जैतू धर्मशाला के मालिक प्रेम कुमार गर्ग, हल्का प्रभारी प्रकाश सिंह भाटी, सदगुरु सेवा दल के सदस्य अशोक धीर, फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, राजस्थान श्रीगंगानगर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय, कोटकपूरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता की उपस्थिति में संदेशपूर्ण प्रस्तुतियों के बीच संपन्न हुआ। लोगों से भरे हॉल में तनाव का प्रतीक कलाकार दुनिया से जाने का संदेश दे गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि तनाव का काम है आना, परंतु हमारा काम है उस पर विजय प्राप्त करना, और यह राजयोग से ही संभव है। कार्यक्रम में विशिष्ट मेहमानों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मातृ शक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सेवा केंद्र पर आने वाली उम्र दराज माताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर छतरपुर के तहसीलदार राकेश शुक्ला, नौगांव से रानी माया सरवणी, धुवारा ग्राम पंचायत सचिव ब्रिजमोहन सिंह, छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, नौगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंद समेत कई लोगों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मां की भूमिका और माताओं के सम्मान को सर्वोपरि बताते हुए अतिथियों ने कहा कि मां का सम्मान करना अर्थात पूरे समाज का सम्मान करना है। मां की भूमिका बच्चे को नागरिक बनाने में अहम है, इसलिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे माताओं के सम्मान को ठेस पहुंचे। कार्यक्रम में केक काटकर बधाई दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के जिला जेल में कैदियों के लिए व्यवहार परिवर्तन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, जेल अधीक्षक सुशील ठाकुर और राजयोग शिक्षिका बीके कमलेश की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कैदियों को व्यवहार बदलाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि मनुष्य का असली स्वभाव श्रेष्ठ कर्म करना है, इसलिए कभी भी निकृष्ट कर्म हमारे जीवन में नहीं आने चाहिए क्योंकि यह आसुरी स्वभाव है। कार्यक्रम के दौरान कैदियों से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए संकल्प भी कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कैदी उपस्थित थे। पानीपत के ज्ञानमान सरोवर में विद्यार्थियों के लिए वैल्यूज इन लाइफ विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र पर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने कहा कि जीवन में कभी भी स्वयं की किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। किसी को भी अपशब्द ना बोलें, शब्द ही इतिहास बनाते हैं और शब्द ही महाभारत की रचना करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान राजयोग शिक्षिका बीके सारिका समेत कई लोगों ने बच्चों को प्रेरणाप्रद बातों की जानकारी दी, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। इन दिनों पूरे देश में गर्मी का कहर जारी है, कई जगहों पर गर्मी से कई मौतें भी हो चुकी हैं। ऐसे में गुजरात के कलौल में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा राहगीरों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए ठंडे ठंडे कूल कूल शीतल पेय पदार्थों की व्यवस्था की गई। कलौल कादी पुलिस ग्राउंड हाईवे में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा के निर्देशन में संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में सदस्यों ने लोगों को शीतल पदार्थ देकर गर्मी से बचने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राहगीरों ने इसका लाभ लिया तथा ईश्वरीय ज्ञान से भी अवगत हुए। द्रोणाचार्य शिक्षा महाविद्यालय रैत में बच्चों के लिए नैतिक मूल्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय कार्यकारिणी के अध्यक्ष वीएस पठानिया, माउंट आबू के बीके भगवान, कॉलेज प्रवक्ता मीतू समेत कई लोगों ने बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा कि विद्यार्थी के जीवन में एकाग्रता, सहनशीलता और मूल्य जरूरी है, इसलिए बच्चों को हमेशा प्रेरित करना चाहिए। आज के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, उसके चार कारण है। पहला कारण है गलत संघर्ष, इसलिए हमेशा हमारी संघर्ष अच्छी हो, जैसा करोगे संघ वैसा चलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान धर्मशाला सेवा केंद्र के बीके कमलेश समेत कई लोग उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश सिरमौर के राजबन में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया राजबन प्लांट में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दिल्ली लोधी रोड के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने तनावों पर गहराई से प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य के संग्रह की आदत ही तनावों को जन्म देती है, जबकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं बहुत ही कम हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें तो तनावों से निजात पा सकेंगे। कार्यक्रम में प्लांट की महाप्रबंधक एसके साहू ने कार्यशाला को उपयोगी बताते हुए कहा कि यदि छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें तो तनावों से मुक्त रहा जा सकता है। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जयपुर के भवानी नगर सेवा केंद्र द्वारा 8 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। श्री निवास नगर में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन राजस्थान के श्री गंगानगर सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय, जयपुर क्षेत्र के कांग्रेस अध्यक्ष गिरिराज गर्ग, पार्षद कौशल तथा सुशील शर्मा, मणिपाल यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर मधुरा यादव, अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम की मुख्य प्रवक्ता बीके विजय ने बताया कि तनाव मुक्ति के लिए आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बना लें और प्रतिदिन 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण अवश्य करें। इस दौरान उपस्थित लोगों को राजयोग द्वारा गहन शांति की अनुभूति भी कराई गई। तनाव मुक्ति के लिए अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता को स्थान दें, एक हिस्सा बना लें जीवन का, 1 घंटा भी आध्यात्मिकता के लिए। क्या है आध्यात्मिकता? आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, आत्मदर्शन। आसाम के डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र द्वारा सुपर मेमोरी, माइंड पावर एंड मेडिटेशन मैनेजमेंट कैंप का आयोजन किया गया।
डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में रेलवे कार्यशाला की मुख्य प्रबंधक उत्पल शर्मा, माउंट आबू से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके शक्तिराज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बीके शक्ति ने राजयोग द्वारा अपनी शक्तियों को विकसित कर एकाग्रता बढ़ाने की बात कही, साथ ही कई गतिविधियों के माध्यम से उपस्थित लोगों को परमात्मा के साथ लिंक जोड़ आत्मिक स्थिति का अनुभव कराया। इस दौरान कई लोगों ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया। ऐसे ही LIC कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को राजयोग द्वारा आंतरिक शक्तियों का विकास करने पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में ब्रांच मैनेजर सुशील कुमार दे समेत कर्मचारी तथा अधिकारी मौजूद थे। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीताराम आश्रम हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी मोहनदास रामायणी ने कहा कि मनुष्य जीवन बहुत महान है, इसलिए हमें इसको परमार्थ कार्य में लगाकर दूसरों का उद्धार करना चाहिए। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर निर्मल मन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चौरसिया आश्रम के संस्थापक स्वामी ओमकार आनंद ने आध्यात्मिकता द्वारा सोच को सकारात्मक कर मन को नकारात्मकता से दूर करने की बात कही। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में रामायण प्रचार सेवा समिति द्वारा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने स्व प्रबंधन विषय पर प्रकाश डालते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को जान परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ने की बात कही। 21 जून को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र द्वारा 21 मई से 21 जून तक योग मास के रूप में मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक पीयूष देसाई, GEB के पूर्व मुख्य कार्यकारी निदेशक गोविंद पटेल, बिल्डर भास्कर पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, जलालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु ने केक काटकर व दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने बताया कि अपने मन और बुद्धि द्वारा सर्वोच्च सत्ता परमात्मा शिव से मिलन व शक्तियों की अनुभूति करना ही सहज राजयोग है। इस दौरान सेवा केंद्र के सदस्यों ने साइलेंस में रहकर पूरे विश्व को शुभ भावनाएं तथा कामनाएं देने का संकल्प लिया। स्थूल कर्म इंद्रियों के ऊपर, हाथ पांव आंख नाक कान मुंह सभी के ऊपर उसका एक शासन होता है, राज करता है, इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सदस्यों के साथ विधायक देसाई भी सामूहिक ध्यान साधना में शरीक हुए तथा अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि गहरी एकाग्रता और असीम शांति का अनुभव उन्हें आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसके पश्चात बीके गीता ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनका सम्मान किया। ऐसे ही नवसारी के जलालपुर सेवा केंद्र पर भी आओ चले सहज राजयोग के पथ पर योग मास का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माधु कथीरिया, हीरा व्यापारी महेंद्र गोहिल, नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु समेत कई लोगों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों को योग मास के बारे में जानकारी दी गई तथा उनसे भी इस दौरान सहभागी होकर राजयोग को जीवन में धारण करने का संकल्प कराया तथा बीके गीता ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर बाल कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुति द्वारा लोगों का मनोरंजन कराया। ऐसे ही राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा भी तपस्या कुंड मास का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बोलबाला चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी जयेश भाई उपाध्याय, राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम के तहत एक मास तक गहन ध्यान साधना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संस्था से जुड़े सदस्य
राजयोग की साधना द्वारा विश्व शांति की कामना करेंगे। हैदराबाद शांति सरोवर में कुमारियों के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शांति सरोवर की प्रभारी बीके कुलदीप, डीएसपी उदय कुमार, पूर्व सतर्कता आयुक्त रंजना कुमार ने युवा बहनों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन को ऐसा बनाएं जिससे हम औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। कई दिनों तक चले इस रिट्रीट कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा बहनों ने भाग लिया। मदुरई के विश्व शांति भवन में व्यक्तित्व विकास विषय पर समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप को कई सत्रों में आयोजित कर मदुरई की सबजोन निदेशिका बीके मीनाक्षी ने बच्चों को आध्यात्मिकता के प्रति अपना रुझान बढ़ाने की बात कही। साथ ही बढ़ते दौर में कुसंग से अपनी संभाल कर एक परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ने पर प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।